हेलो फ्रेंड्स, आज दोपहर का खाना बन गया है और आज शाम को मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज शाम को मैं चाइनीज राइस बनाने वाली हूँ, तो सोचा मैंने आप लोगों को भी दिखा दूँ। बोलो क्या खाओगे? पिज्जा और चॉकलेट की डिमांड है, लेकिन मैं राइस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने प्याज, ये हरे वाले प्याज कटिंग किए हैं, और ये जो सूखे प्याज आते हैं वो कटिंग किया है, और ये लहसुन कटिंग कर लिया है छोटे छोटे, उसमें थोड़े से अदरक भी डाली हूँ, और ये धनिया है, और ये मिर्ची। हाँ, ये लहसुन अच्छे हैं। तो ये सब रेडी कर लिया है, और चावल बना के वहाँ पे रख लिया है, थोड़ा सा उसमें पानी जो होता है वो निकाल लिया है। और ये रेड चिल्ली है। हाँ चुप रहो बेटा। हाँ, राइस का पानी, ये राइस हो गया है कंप्लीट अभी हमारा। और ये रेड चिल्ली, और ये डार्क सोया सॉस, और ये ग्रीन चिल्ली, ये सब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं मटर निकोल के रख लिया है इतना सारा, तो ये डालूंगी नहीं, ऑप्शन है। और ये विनेगर, वाइट विनेगर है जो वो। तो अब बनाना हम शुरू करेंगे, कढ़ाई रख ली है अभी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए, और ऑयल डाल दिया है। हमने कम ऑयल यूज़ किया, लेस ऑयल, क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल अच्छी तरीके से थोड़ा हम होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा तेल कच्चा ना रह जाए और स्वाद भी अच्छा। ये अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो हमने डाल दिया है, छोटे छोटे मतलब कूट के रख लिए थे। और यहाँ पे मैंने प्याज, हरी वाली भी प्याज यूज़ किया है, और सूखी वाली भी प्याज यूज़ किया है, दोनों प्याज यूज़ किया है, ताकि स्वाद और भी अच्छा, अच्छी तरीके से बढ़ जाए। और चाइनीज़ राइस में तो स्प्रिंग ऑनियन कंपलसरी ही रहता है। तो यहाँ पे देखो, दोनों प्याज को हम ऐड कर ले रहे हैं कढ़ाई में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा कुक करने आता है, और अच्छे कुक भी हैं वो। कभी कभी बनाते हैं, रोज़ तो नहीं खाने को मिलता, बट कभी कभी मिल जाता है। तो क्या आप लोगों के यहाँ भी कभी कभी मिलता है ऐसा खाने को, कि हस्बैंड बना के खिलाएं और हमको मिल जाए खाने के लिए ऐसा? ये देखो यहाँ पे, और आज को थोड़ा हम स्लो रखेंगे, ताकि प्याज हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। और ये सब रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, और सोया सॉस है, और वाइट विनेगर है। विनेगर भी हमने रख लिया है, सब चिंग्स चाइनीज़ के ही हैं, और ताकि उसके स्वाद थोड़ा अच्छे लगते हैं चिंग्स चाइनीज़ वाले का। और प्याज वाज थोड़ा हमारा हो जाएगा, और पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स भी कर लेने हैं। यहाँ पे देखो, सात्विक मेरा पनीर मांग रहा था कि खाना है मुझे, वो ऐसे ही कच्चा पनीर खाता है, उसको पसंद है। तो यहाँ पे देखो, दुबे छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स काट ले रहे हैं, ताकि वो राइस में हम डाल सकें। और ये तब तक हमारा राइस धीरे धीरे स्लो आंच पे एकदम कंप्लीट हो रहा है, पक जाएगा, तो उसके बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे हल्का सा आप देख रहे हो कलर इसका चेंज हो चुका है, और बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। ये रेड चिल्ली डाल दिए, इतना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उतना डाल दो। ये ग्रीन चिल्ली डाल दिए हैं, और इसके बाद में ये डार्क सोया सॉस है। ये तो तीनों को ऐड कर लो आप, और ऐड करने के बाद में इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, और वाइट विनेगर जो होता है चिंग्स चाइनीज़ वाले वो डाल लेना है। तो ये सब घर में रखते ही हैं, स्प्रिंग रोल और चाइनीज़ बनाने के लिए, तो आपके घर में होगा। और फटाफट शाम के टाइम पे अगर कुछ भी खाने को मन करे तो इसे आप ज़रूर से ट्राई करो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा इसको भी पकने के लिए रखेंगे ना, ताकि स्वाद अच्छी तरीके से आ जाए। और आप लोग वीडियो पे पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से बना हुआ है। ये यहाँ पे निकाल दिया जा रहा है मेरे बच्चे के लिए, थोड़ा सा वो तीखा नहीं खाता है, और उसको तीखा नहीं पसंद है, वो तीखा हो जाता है तो वो खाना नहीं खाता है, तो वो उनके लिए अलग कर दे रहे हैं। ज़्यादा प्याज हो गई थी तो थोड़ा हम उसको कम कर ले रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, उसके बाद में
थोड़ा सा ग्रीन चिली कम लग रहा था तो ग्रीन चिली थोड़ा और ऐड कर दिए, रेड चिली ग्रीन चिली, क्योंकि सात्विक के लिए थोड़ा ही चाहिए था और हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते, स्पाइसी खाना तो पसंद सभी को होता है, सब कुछ ज़्यादा ऐड कर लेंगे, वो सात्विक के लिए थोड़ा सा कम ऐड करने के बाद रखा गया था ताकि फटाफट हो जाए दोनों का एक साथ। ये देखो ग्रीन चिली अभी गई, ये ग्रीन चिली डाल दिया गया है इसमें, थोड़ा सा ग्रीन चिली रहेगा तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। और आप इसमें ग्रीन मटर डालोगी तो ज़्यादा ही स्वाद बढ़ जाता है ग्रीन मटर का, क्योंकि ग्रीन मटर किसी भी खाने में डाल दो, पनीर की सब्ज़ी में और ये राइस में, सब कुछ में डाल दो। और राइस जो है हमारा वो थोड़ा सा हाफ कुक कर लिए हैं, मतलब एक दाने मतलब कम पके हुए हैं, बाकी सारे पके हो गए हैं कंप्लीट। थोड़ा कम पका के रखो तो ये राइस को निकाल के रख दो ताकि वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक एक हो जाए, नहीं तो फिर क्या है मिक्स हो जाता है। ये रहा ग्रीन मटर, उसके बाद में मटर डाल देंगे हम सात्विक के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही सब अच्छी तरीके से पका के डाल लेते हैं ताकि उसको भी अच्छा स्वाद मिले और उसको खाने में क्या है थोड़ा जो हम खाते हैं वही इसी तरीके से निकाल के हम बना लेते हैं बच्चे के लिए अपने। क्या आप लोग भी अपने बच्चे के लिए इस तरीके से बनाते हो? तो यहाँ पे हम थोड़ा पकने देते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें जितना चाहिए उतना हम नमक ऐड कर लिए हैं। और नमक ऐड करने के बाद में थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि राइस में थोड़ा सा वो विनेगर रहता है तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और इतना सा राइस हमने बनाया है तो इसको अच्छी तरीके से देखो, हमारी मटर भी हमें देखना है कि एकदम मटक चटकने लगी है और हो जाएगा तो फिर हम राइस ऐड करेंगे। ये देखो हमारा राइस है और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है अच्छी तरीके से ताकि एक एक हो जाए, और हम इसमें राइस को ऐड कर लेंगे। और हम इतना सा राइस डाले हैं उतना सा अपने बच्चे के लिए रखे हैं। ये देखो दोनों में राइस हमने डाल दिया है। राइस डालने के बाद में राइस को हम एकदम मस्त तरीके से मिला लेंगे, पूरा चीज़ को एक साथ मिला लो। उसके बाद में आप लास्ट में देखते रहो कि क्या होता है। और स्वाद तो काफ़ी अच्छा महक रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, जो भी मिलेगा एक कटोरी तो भर के खा ही लेगा इतना अच्छा टेस्ट है, मैं सच में बोल रही हूँ बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है और खुशबू से ही लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। अभी हम खाएंगे और फिर पता चलेगा कि कितना अच्छा, कि महक बस रहा है इतना अच्छा कि खाने में भी अच्छा होगा। बट देखते हैं, कई बार हमने इसी तरीके से बनाया हुआ है तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, और ताकि आप लोग भी देखो सिंपल तरीके से कभी कुछ खाने का मन हो तो बना के खा लिया जाए। ये देखो लास्ट में हमारा धनिया है, हम धनिया को ऐड करेंगे अभी इसमें। ये देखो गया धनिया, इतना सारा धनिया डालेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे बच्चे में भी अपने हम डाल दे रहे हैं, जो जो डाल रहे हैं आप लोग भी सोचोगे कि सारे चीज़ें ये लोग थोड़ा थोड़ा करके बच्चे में भी डाल दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो राइस कितनी अच्छी तरीके से पक के रेडी हो गया है, हम दो लोग खाएंगे तो दो लोगों के लिए ज़्यादा है, बट चावल चावल खाएंगे ना तो हो जाएगा, फिनिश भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कि भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। थोड़ा सा आप कुक कर लो क्योंकि हाफ थोड़ा सा बाकी रह गया था। ये देखो मैंने आपको जूम कर दिया है और देखो ये मेरे सात्विक का है पनीर वाला बन के रेडी हो गया है, और हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है।
ये मेरे बच्चे का निकाल ले रहे हैं हम प्लेट में, जितना उसको खाना होगा खाएगा। पनीर वाले ज़्यादा हम उसको निकाल दे रहे हैं। ये रेडी हो गया है सात्विक का राइस, उसमें धनिया से आप जिस तरीके से आपको सजाना है उस तरीके से आप सजा के रख सकते हो, डेकोरेशन आप जिस प्रकार करना चाहते हो। ये देखो हमारा, हम दोनों का राइस निकल के रेडी हो गया है। तो धनिया का पत्ती बड़ी बड़ी थी वो हमने लगा दिया है। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आ जाइए जिसको भी खाना है। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।